नॉट रियली, क्योंकि सीज़न 1 के लिए मुझे बुलाया था, तो वहाँ पे एक थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ जिसकी वजह से मैं वो सीज़न 1 नहीं कर पाई. और जब सीज़न 1 भी बहुत अच्छा चला था, यू नो, आई थिंक फोर्थ हाईएस्ट इसके रेटिंग मुकाबले नहीं चला था, इसके हम ये बोल मुकाबले, सकते ये हैं। तो मतलब किसी और लेवल पे चला गया. तो मैंने जब सीज़न 2 किया था, मेरा ये मानना था कि सीज़न 1 ने इतना अच्छा किया है तो मैं क्वेश्चन ही नहीं कर सकती कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ. कौन नहीं चाहेगा हिट सीरीज़ का पार्ट होना, पर इतना ये उससे आगे ले जा, इतना ऊपर जाएगा ये हमने सोचा नहीं था. और बहुत खुशी होती है. और ऑल्सो मैं मानती हूँ कि सीज़न 1 जब इन्होंने बनाया, वो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट सीज़न था, तो शायद क्यूरियोसिटी होगी लोगों की देखने के लिए. सीज़न 2 का उतना ऊपर जाना शोज़, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि हमारे कंट्री में ये ऐसा चलना चाहिए क्या, ये इतना बोल्ड है. और फिर आप लोगों ने ही तो देख के उसको इतना, यहाँ सीज़न 1 से सीज़न 2 यहाँ आप लोग ही तो लेके गए हैं, तो लोग देख रहे हैं ना, तो वो तो क्वेश्चन ही गलत है. वो दैट सील्स द डिबेट कि क्यों किया या करना चाहिए था. तो लाइक्स तो आप लोगों ने ही किए हैं. सो आई थिंक जो लोग देखते हैं वही हम बनाते हैं, एंड लोगों ने इतना इतना ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया है काम को, तो मोर सीजन्स टू कम. इस सीरीज में एक और इंटरेस्टिंग बात ये हो गई थी, बीच में एक सीन लीक हो गया था आपके जी जी कॉलेज के जी सीन जो था, और अविनाश जो है उन्होंने इस सीन के बारे में बताया भी था और काफ़ी अफसोस भी जताया, इस बारे जी में क्या कहना चाहेंगे आप? और तो ये काफ़ी अरसे से होते आ रहा है, कई तो फिल्में लीक हो जा रही हैं। यस यस. तो अगर आपने बीच में पढ़ा हो, तमिल रॉकर्स करके एक वेबसाइट है, और पायरेसी का इशू तो काफ़ी रहा है जो हम लोगों ने बाकी किया है. स्टार्टिंग का जो वो एक सीन लीक हुआ था, हम लोग ऑफकोर्स हम लोगों को लगा कि ओ माय गॉड ये कैसे हो गया, क्योंकि जितना मैं जासवंत जो प्रोडक्शन हाउस है उनको जानती हूँ और बालाजी को जानती हूँ, दे आर वेरी यू नो स्ट्रिक्ट एंड प्रोटेक्टिव अबाउट देयर कॉन्टेंट. तो कैसे हो गया हमको नहीं पता था, बट यस जो लोगों ने ये पूछा कि यार तुम्हें कैसा लग रहा है, बट हमने तो वो काम किया है, तो हम चाहते थे कि आप वो एक पूरी कहानी की तरह देखें. ऐसा एक सीन देखेंगे तो शायद यू नो वो एक आपको लगेगा ओ माय गॉड ये क्या है. तो अगर आप उसको एक सीन की तरफ देखते हैं तो थोड़ा शायद आपको यू विल अंडरस्टैंड कि कॉन्टेक्स्ट उसका क्या है, वो सिर्फ एक लस्टी सीन नहीं है. इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी था, इस वेब सीरीज में लीक हुआ था एक सीन आपका लेसबियन सीन, अनुवेशी ने इसके बारे में बयान भी दिया था, काफी अफसोस भी, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? तो हम लोगों को इनिशियल शॉक तो सबको लगा था कि ये कैसे लीक हो गया, क्योंकि जासवंत जो प्रोडक्शन हाउस है उन बालाजी आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देयर कंटेंट. बट हमने ये सीन ज़रूर शूट किया था, तो इतना शॉकिंग ये नहीं था कि ये सीन ये क्या बाहर आ गया. शॉकिंग ये था कि ये कैसे बाहर आ गया इतनी जल्दी, क्योंकि हम चाहते थे कि वो लोग सीन टोटालिटी में देखें, क्योंकि वो एक लस्टी सीन नहीं है, एक बहुत सेंशुअल सीन है जहाँ पे ये दो लेडीज़ हैं जो अपने मर्दों से दुखी हैं अपनी लाइफ्स में, और कैसे वो एक दूसरे में लव ढूंढती हैं. एंड आई बिलीव लव हैज़ नो जेंडर. तो स्टार्टिंग ऑफ द सीन मैं उनको कुछ ऐसा बोलती हूँ कि यू नो मैं भी तुम्हारे हस्बैंड के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, एंड फिर वो कैसे गुस्सा आता है जो एक नॉर्मल शादीशुदा औरत को आना चाहिए, गुस्सा आता है, हम रोते हैं, वो मारना चाहती है मुझे, वो सीन वैसा जाता है, और फिर जाके हम एक दूसरे में प्यार ढूंढते हैं, क्योंकि हमको वो आदमियों से नहीं मिल रहा है. और यू नो जब मैं एज अ वुमन जब हम आदमियों को डेट करते हैं, या फिर आदमी जब लेडीज़ को डेट करते हैं और जब उनका हार्ट ब्रेक होता है, तो हम किसके पास जाते हैं? आदमी अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं और हम अपनी गर्लफ्रेंड्स की तरफ टर्न होते हैं, बिकॉज हमारे आई थिंक हमारे रियल सोलमेट्स हमारे ही फ्रेंड्स, यू नो खुद की मदर्स सिस्टर्स फ्रेंड्स ये हैं, क्योंकि वो हमें अच्छे से समझ पाते हैं. तो अगर हम ऑपोजिट जेंडर को इतना प्यार देते हैं, तो अपने जेंडर को तो हम ज़्यादा अच्छा समझते बिना बोले भी, कितनी सारे यू नो वी जस्ट अंडरस्टैंड ईच अदर. तो वो एक चीज़ थी हमको जो लगी कि यार वो लोगों को ना पूरा देखना चाहिए सीन, क्योंकि हमने रियली वो पुल ऑफ करना बहुत मुश्किल था. एक जब आप आदमी के साथ सीन करते हैं तो हाँ आप यू नो वो सब कर सकते हैं, वो सिड्यूसिंग सीन है, यहाँ पे वो था ही नहीं, उसका जोन ही वो नहीं था. उसका था कि लड़ाई झगड़ा मारपीट है, और फिर आप जाके एक मोमेंट ऑफ गिविन होता है, विच वॉज़ वेरी डिफिकल्ट टू पोर्ट्रे, एंड आई थिंक वी डिड इट वेरी वेल. और क्या क्या आ रहे हैं बॉलीवुड साउथ?
ओके तो साउथ तो अभी मैं नहीं कर रही कुछ, पर इनसाइड एज सीजन 2 आ रहा है, आयशा माय वर्चुअल गर्लफ्रेंड सीजन 3 आ रहा है, एक वेब सीरीज़ है कार्टल करके ऑल्ट बालाजी के साथ, एक Z5 के लिए एक वेब सीरीज शूट कर चुकी हूँ, एक अभी स्टार्ट होने वाली है वो भी बहुत मज़ेदार होने वाली है।